पलट लो, चेक कर लो, लोड कर लो कोई भी। ठीक है, उसकी को टैंक 700 किलो रेडी करो। जान जोखिम में डालकर चाहिए पैसा। P24 न्यूज का बड़ा खुलासा, कहीं आप खरीद तो नहीं रहे कोरोना? जी हाँ, सही सुना आपने, दिल्ली में कोरोना खुलेआम बेचा जा रहा है। चंद रुपयों के लिए कुछ लोग मौत बांटने पर तुले हैं और आपको इसकी खबर तक नहीं। आप जेब से पैसा खर्च कर सोचते हैं कि कोरोना से जंग जीत जाएंगे, लेकिन चंद लालची लोग खुद अपनी जान जोखिम में डालकर आपको मौत बांट रहे हैं। दिल्ली के मुंडका की इस कबाड़ी मार्केट में सबसे घिनौना काम किया जा रहा है, जिसे P24 न्यूज ने अपने कैमरे में कैद किया है। इसके दो कलर गुलाल वाले करवा रहा हूं, जो हम छाट लेते थे पहले छोड़ने में, वो ये वाइट मेरा वो छट रहेगा। तो धुलाई तो आप कराते नहीं होंगे? मैं नहीं कराता सर धुलाई। हाँ। धुलाई वाला तो ये है, ये अगर ये आपको चाहिए जो भी माल पड़ा ये आप ले जा सकते हो। अच्छा। चेक करो, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, ना प्लास्टिक, ना कूड़ा, ना कचरा, ना कुछ नहीं, ओनली धुलाई। वो तो वाइट वाला वो। हाँ नहीं, दोनों चल जाए, तीनों मिल जाए। कलर तो कलर की टेंशन नहीं। मेरे पास ये पड़ी हुई, अगर ये आपके पास चले तो वो छटाई करानी पड़ेगी, रंगीन की है वो, कृपया जाकर कर दीजिए। ये धुलाई वाला, इसमें कोई कटा पिटा नहीं मिलेगा आपको इसमें। अच्छा, ये लड़का चार रंग जो ये है, दो ये वाला। हाँ, ये कट्टा पड़ा, ये पाँच चार पाँच कट्टे ये पड़े। कितने किलो होगा ये? अब ये जो भी होगा साहब अंदाजा, एक कट्टे में कितने किलो आ जाए भाई? तोले भर की छवि रहता है, एक कट्टे में 20 किलो भी हो, 50 किलो भी हो, 30 किलो भी हो, 20 किलो भी हो, जो भी है। अभी फिलहाल में 2, 4, 6, 5, 6 कट्टे हैं, 6 कट्टे में 100 किलो भी हो, उसको 150 भी हो। ये धुलाई का आपका, और वो जो है वो मैं उसको साफ करा रहा हूँ, जो की जो बेदागी है, अगर वो चलता तो ये जो के रेट होगा। यकीन मानिए, सच जानकर आप होश भागता हो जाएंगे। दरअसल इस कबाड़ी मार्केट में दिल्ली समेत कई राज्यों का मेडिकल वेस्ट मटेरियल पहुंचता है, लेकिन कोरोना काल में इस वेस्ट मटेरियल को चंद व्यापारियों ने मुनाफा का धंधा बना लिया है। देखिए यहां किस तरह यूज्ड दस्तानों को साफ किया जा रहा है, इसी तरह यूज्ड पीपीई किट साफ कर अलग की जा रही है, और ऐसा करने का मकसद इन्हें फिर से बाजार में उतारने का है। तो ये मेरे इधर मुंडका पुलिस स्टेशन है, और ठीक मुंडका पुलिस स्टेशन के दूसरी तरफ की अगर आपको तस्वीरें दिखाए तो ये मुंडका कबाड़ी मार्केट है, और कबाड़ी मार्केट के अंदर बायोवेस्ट की हर वो चीज उपलब्ध है, क्योंकि सबको पता है कि सोशल डिस्टेंस और मास्क सैनिटाइजर का उपयोग करने से ही कोरोना से बचा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो हर वो चीज उपलब्ध है जो कि हॉस्पिटलों में यूज होती है, जैसा कि मास्क है और पीपीई किट है, जो कि कोरोना वॉरियर्स या डॉक्टर्स वगैरह पहनकर कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, वो चीज यहाँ पर पूरी तरह से उपलब्ध है। ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो लोग हैं वो लोगों की, जो यहाँ पर कबाड़ी वाले हैं वो लगातार लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। P24 की टीम इस काले कारोबार की सूचना मिलने के बाद यहाँ पहुँचती है। हमने कबाड़ी का कारोबार करने वालों से मुलाकात की, उन्हें बताया कि हमें पीपी किट, ग्लव्स और बाकी सामान चाहिए, तो ये तुरंत इसके लिए तैयार हो गए। हमें बताया गया कि माल मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें माल बल्क में यानी भारी मात्रा में लेना होगा। रेट पता करो, 25 रुपए जा रही है अगले के, उसमें वाइट होगी और हरे कलर की होगी, दोनों तीन तीन कलर होते हैं, आसमानी कलर है, तीन होती है। तो भाई किट तो पड़ी है, एक टन पड़ी है किट, और भी आ जाएगी। बंदा गुल्ला भी निकलवाता था वो नहीं निकलवा रहा, अब किट आ रही है, एक टन की किट पड़ी है उसके पास। देखो और बताओ और क्या चाहिए? ग्लव्स। ग्लव्स कौन सा, रंगीन या वाइट? दोनों तरह के। सब ले रखा ले लिया। क्या रेट लिया भाई?
कौन सर? घुमा अब आप कहते हो तो आपके लिए उसका कोई दिक्कत नहीं। क्या रेट है इसका? 25 रुपए। 25 रुपए 25 में 2 रुपए इसमें दे रहे हैं, बोले कोई बात 27 रुपए पड़ेगी। 27 रुपए पड़ेगा कहते हो तो जब ईव लोड कराओ कोई दिक्कत नहीं है। देखो कोई वो नहीं है इसमें, तो आप ले जाओगे ना जो आप करते हो ना वो करोगे और नहीं करोगे। इसमें दवाई फवाई मारोगे जो भी कुछ करना होगा और उसमें पैसा होगा वो चीज है। ये हम इसको पक्का बोल रहे हैं, ये हमने पक्का कर। इसमें ये दो कलर अलग अलग देते हैं, ये ब्लू है अलग अलग है दोनों। हाँ ये अलग अलग है। इसमें कोई एक आध पीस कोई गलती से कोई दागी जाएगा तो जाएगा, फिर भी आप जैसे तो नहीं नहीं वही होगा, बाकी कुछ इसमें कुछ नहीं मिला, ना कागज मिलेगा ना प्लास्टिक मिलेगी ना कूड़ा मिला, कुछ नहीं, जो चीज होगी वो होगी। ये कारण है ये चीज जाती है। अब ये वाला माल का मेरे पास हो जाएगा, ये जो बोरा पड़ा है हो सकता 50 भी हो जाए 30 भी हो जाए। तैयार इसको वहीं रख दिया भाई, बांध करके रहे। 42 कौन सा सफेद का? लेकिन फिर भी थोड़ा सा और गुंजाइश। कितना पड़ा है? क्वांटिटी है साफ है, चटाई हो रही है। अगर देखो इस रेटों में अपने बात होते तो मैं माल देता हूँ। नहीं रेट तो एक आधे रुपया ऊपर नीचे वो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने स्पष्ट 42 बोला। अच्छा 40 तक बन जाएगी बात है, 41 रुपए प्लस वो बता रहे। माल तो गैल की गैल उठाना पड़ेगा, समझ आएगा तो आप। हाँ समझ आएगा तो तभी तो वो तो है, वो उठा नहीं है माल। चलो दिखाओ एक बार। ये माल मुझे हिसाब से माल आता है तो हर किसी को खबर नहीं दी जाती ना, दारा वो अपने आप आएगा भाई लेने। ये होता है इलीगल तो खैर सब कुछ है, एक उससे देखा जाए तो। अभी फिलहाल तो दो ही चीजों की रिक्वायरमेंट है, पीपी किट दिखा दो अगर है तो। भाई किसके पास है नंबर लिया आपका? मैंने शाम को कॉल करूंगा आपको, वही तो ना दिया ना मिली पैसे आपको, लो कुर्सी वगैरह अंदर शाम को कॉल करूंगा आपको। कपड़ा भी उसका टूटी वाला है इस शख्स की बातों को सुना आपने। सोचिए जिस मेडिकल सामान को कोविड अस्पताल में इस्तेमाल किया जा चुका है उसे फिर से बेचा जा रहा है। कुछ मुनाफाखोर सस्ती कीमत पर इन सामान को खरीद कर बाजार में बेच रहे हैं, ये जानते हुए भी कि इससे कोरोना कई गुना रफ्तार से फैलेगा। वेस्ट मटेरियल की सफाई में बच्चों तक को लगाया गया है। सफाई के बाद इसी सामान को मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में सप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर हर वो चीज उपलब्ध है जिसकी हॉस्पिटलों में जो चीज यूज होती है। बायो वेस्ट की अगर बात की जाए तो हॉस्पिटलों का जो बायो वेस्ट होता है उसको पूरी की तरह डिस्ट्रॉय करने का एक तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर हमने अभी जैसा कि आप लोगों को दिखाया यहाँ पर पूरे के पूरे बायो वेस्ट की यहाँ पर ट्रक के ट्रक आ रहे हैं जिसमें पीपी किट है, ग्लव्स है, दस्ताने हैं, हर चीज यहाँ पर सिरिंज नीडल्स हर चीज यहाँ पर आ रही है और जस्ट ये पुलिस स्टेशन के सामने है। जाहिर है एक तरफ देश में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, अस्पताल में लोगों को बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन के लिए मारामारी मची है, इंजेक्शन के लिए लोग दर बदर भटक रहे हैं और कोरोना का विकराल रूप अख्तियार कर चुका है। ऐसे वक्त में कुछ लोग सिर्फ पैसा बनाने में लगे हुए हैं, हालांकि अब मामला प्रशासन के संज्ञान में आ चुका है, लिहाजा उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इंसानियत और देश के ऐसे दुश्मनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ब्यूरो रिपोर्ट 324 न्यूज़।